सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार गाइज, काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ और आज दो चीज़ें हैं। एक तो मैं जा रहा हूँ JEE CRC की तरफ से JNU में, वहाँ पर एक शार्क टैंक हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर हम एक आइडिया पे पिच करेंगे। मेरे दोस्त, उसका फाउंडर है, मैं को फाउंडर, और दो लोग और हैं हमारे साथ, तो उनसे भी मिलवाऊँगा। साथ में शार्क टैंक ख़त्म होने के बाद मैं घर आऊँगा, उसके बाद फ्रेशर्स भी आ जाइए, तो दो दो मस्त बढ़िया व्लॉग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, तो मैंने ये फॉर्मल्स पहन लिए नीचे। एक्चुअली हमने रूम शिफ्ट कर लिया बालकनी वाले में, तो अभी उसका शीशा गंदा हो रहा है, तो वरना शीशे में दिखाता। भाई इसको देखो, इंजीनियर सर को। ओए हेलो बोल। ये सुबह 6 बजे से उठा हुआ है, बल्कि से कहीं जाना भी नहीं है, फ्रेशर से जाना है, तब भी उठ के बैठ गया। ये नया रूम है, वहाँ से एंट्री है इसकी, यहाँ पर बेड, वहाँ पर बाथरूम, यहाँ पर मैं बैठता हूँ, यहाँ पे छोटी वाली बालकनी और यहाँ पे बड़ी वाली बालकनी। इसमें से एक दिक्कत है, इसमें भी एक शीशा नहीं है, इस चक्कर में कबूतर आ जाते हैं नीचे से। सुबह आकर यहाँ बैठ गया था और भाग भी नहीं रहा था। तो गाइज, अभी मैं फ़िलहाल दोस्त के PG में पहुँच चुका हूँ, तो उसी का नीचे वेट कर रहा हूँ। इन भैया जो पीछे खड़े हैं, इनके साथ आया हूँ, तो अभी वो जूते पहन रहे हैं, नीचे आ जाए फटाफट। तो अच्छा, तो गाइस इससे मिलो हमारे मिठास के फाउंडर, देख तो जा। तो गाइस इससे मिलो, ये है हमारा तीसरा दोस्त गौरव। हेलो तो बोल दे यार। हेलो, ब्लॉग अच्छी बनाना दे। हाँ मैं वो तो बना ही दूंगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं JNU के हॉस्पिटल, पता नहीं कहाँ पे जाके तो था। हम लोग दो तीन बार तो गोलकुंड, हाँ, और देखो ये किट दिए इन्होंने, एक पेन और एक कॉपी बेकार थी, इस पर वर्ल्ड कप बन रहा है। तो अब फटाफट से अंदर चलते हैं, फिर पिच के बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ। तो गाइस, JNU का शार्क टैंक कुछ ऐसा दिखता था, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। मतलब यहाँ पे देखो, कोई जगह भी नहीं थी जहाँ पे हम लोग खड़े होकर अपने आप को पिच कर सकें, और ये वहाँ के हेड थे जो कि हमें थोड़ा मोटिवेशन, और यहाँ के जो भी लोग हैं जिन्होंने स्टाफ मेम्बर्स हैं उनकी तारीफ़ कर रहे थे। बट मैनेजमेंट बहुत ही बेकार था वहाँ का। बस एक छोटी सी जगह पे सामने देखो शार्क टैंक लिखा हुआ है, और बस इतनी सी जगह में करना है। जजों की सीट्स लगाई हैं, वहाँ जज नहीं बैठेंगे, जज सामने बैठेंगे। तो ये पहली प्रेजेंटेशन थी जिसने दी थी, इसको देखकर हमारा दिमाग हिल गया था, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मैं और अभी बस सोचे जा रहे थे अब कैसे देनी है, कैसे देनी है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने जैसी सोची वैसी करेंगे, जितनी जगह है उतने पे ही करेंगे। और बहुत देर वेट करने के बाद हमारी बारी आई। A few minutes later. तो पिच की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक स्किट करेंगे, बट वो वैसी नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो पाई जैसी हम चाहते थे, क्योंकि वो दूर से रिकॉर्ड कर रहा था हमारा दोस्त। बट फिर हमने परफेक्टली कर लिया, और उसके बाद हमने सोचा था कि हम अपनी वीडियो चालू कर देंगे ड्रामा ख़त्म होने के बाद ही। बट हमने फिर एंड मौके पे एक चीज़ सोची कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो हम वीडियो के साथ ही बोलेंगे, सबसे पहले अविरल, उसके बाद पृथ्वी, गौरव, देन लास्ट में मेरा आना था, क्योंकि मुझे अपना विजन बताना था हमारे मिठास का। वैसे ही हमने किया। Mithas is a live sweets cloud kitchen concept where we provide hygienic and non-refundable oil products, and it's a very reasonable rate from the market. Now we discuss how the idea we get and we process this. अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाएंगे। उसके लिए हम लोग B2C कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसके लिए हमने जयपुर में टोटल 4 प्लेसेस देखी हैं, जो कि हमारे कंज्यूमर की और हमारी फुलफिल डिमांड को कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ट्रक है उनमें हर जगह पे दो जने होंगे, और उनकी टाइमिंग ऐसे रहेगी दोपहर के टाइम 12 बजे से 3 बजे तक, और रात को 7 से 10। इसके अलावा हम लोग अपनी डिमांड जो होगी वो नहीं रख सकते, और ये ऑनलाइन नहीं है अवेलेबल अभी,
हमारा विजन है आगे का कि हम मिठास को ऑल ओवर दी इंडिया फैलाना चाहते हैं, एंड उसको पूरा करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि अभी टाइम वेस्ट होता है। जब कंज्यूमर आते हैं हमें डिमांड देता है तो उसे 10 to 15 minutes वेट करना पड़ता है, तब उसे हमारे प्रोडक्ट गुलाब जामुन या फिर मालपुए मिलेंगे। बट वेबसाइट आ जाएगी तो उससे वो डायरेक्टली वहां से लाइव देख सकता है और टाइम भी पता कर सकता है ताकि वो उस हिसाब से आकर ले जाए और उसका टाइम भी बचे। थैंक यू। तो भाई शार्क टैंक हो गया बढ़िया तरीके से, एकदम मजा आ गया। और ये अविरल बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे को खिलाने लेकर आया है पाव भाजी यहाँ की, और ये आलू का पराठा खाएगा फिर इसके घर चले जाऊँगा। जितना फ्लो में यहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा मैं मतलब डायलॉग उल्टे सीधे कर दिए मैंने, बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो मैच कर गए थे अपने आप ही, कवर हो गया था पीछे से रोशनी तो काफ़ी मस्त हो गया, मज़ा आ गया। बट उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था, बाकी बातें घर चल के करते पी जी पहुँच कर तैयार भी होना है फिर फ्रेशर्स भी आज। तो यार गाइस फाइनली वापस आ चुका हूँ और अब जा रही थोड़ी देर बैठूंगा, फिर मेरे दोस्त को एक कोड देने जाना है तो चले जाऊँगा। बट एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है दिल में क्योंकि मेरे को शार्क टैंक में मैंने सोचा था जैसा बिल्कुल वैसा नहीं था, बिल्कुल जीरो शार्क टैंक की मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई और अच्छा भी नहीं था, मतलब क्या ही था वो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जो भी था अब क्या कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए मूड अच्छा करना है, फ्रेशर्स की बनानी है ब्लॉग,